नेहा लक्ष्मी ने ओढ़ी रुद्रेश के नाम की चुनरिया। नेहा लक्ष्मी अय्यर और रुद्रेश जोशी का पवित्र रिश्ता। जी हाँ, फाइनली रुद्रेश जोशी लेकर पहुंचे बारात, जहां वो खुद जमकर डांस करते हुए नजर आए। जब बारी आई अपनी दुल्हनिया को देखने की, तो रुद्रेश नेहा लक्ष्मी को साउथ इंडियन वाले दुल्हन अवतार में देखकर हो गए इमोशनल। और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। वहीं बारी आई नेहा लक्ष्मी और रुद्रेश की मराठी रिचुअल्स के साथ शादी की, जहां नेहा लक्ष्मी एक बार फिर से नजर आई अपने मराठी दुल्हन वाले अवतार में। आराम से, आराम से। और फिर नेहा लक्ष्मी और रुद्रेश सात फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। वहीं शादी में शामिल हुए सीरियल इश्कबाज के गीत और सभी ने दिया नेहा लक्ष्मी और रुद्रेश को नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। साउथ इंडियन अटायर में यू नो, एंड अब उसके बाद एक और रूप देखने मिलेगा उसका, एंड ऑफ कोर्स वो तो है ही क्यूटी। कौन सा रूप देखने को मिलेगा? महाराष्ट्रियन बोलना नहीं चाहिए। मैंने तो बता दिया। अच्छा, तूने बता दिया कि नेक्स्ट इसका वो महाराष्ट्रियन ब्राइड में हम देखेंगे उसे, बट अभी फिलहाल तो बहुत ही क्यूट लग रही है। एक्चुअली हमें पता था वो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम भी उसको एज अ साउथ इंडियन ब्राइड देख रहे हैं, और एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम कोई साउथ इंडियन वेडिंग भी देख रही हूँ। सो और इस गेटअप में वो बहुत सुंदर, वैसे भी बहुत सुंदर लगती है, बट इसमें आज ब्राइड है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साथ में दूल्हे जी हैं जो कि दो दिन से मिले नहीं थे उनको, तो दोनों के चेहरे पे अलग ही चमक दिख रही है। एंड दे बोथ आर लुकिंग जस्ट, वो क्या है, वो जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। थैंक यू। नहीं नहीं, बट हमने बस ये सोचा था हम ट्रेडिशनल पहन के आएंगे, लाइक वी विल वेयर साड़ीज, ब्यूटीफुल साड़ीज। या दैट्स व्हाट वी थॉट। बस हमने लुंगी नहीं पहनी। हाँ हाँ, मैंने भी अक्षय को बोला, पर वही फिर बांधना भी तो आना चाहिए ना। पड़ा था मुंड था फिर क्या। हाँ वो हो गए थे रुद्रेश। अब आई थिंक उसको इतना अच्छे से गेटअप में देखकर और फाइनली टू लुक एट हर एज अ ब्राइड, अभी तो इतने टाइम से थोड़ा सा टाइम से डेट कर रहे थे और अभी सब मस्ती मस्ती चल रहा था, एंड फाइनली वो डे आ गया है व्हेन ही सॉ हर एज अ ब्राइड, तो ऑब्वियसली इमोशनल हो ही गए, थोड़ा आंखों में आंसू आ गए। इतनी सारी प्लानिंग,
जो करी शादी की तो फाइनली हो रही है एंड इट्स हैपनिंग, तो वो सब देखकर उस वो थोड़ा इमोशनल हो गए। और वैसे भी चार दिन से वो दोनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मतलब उन्हें बोलना पड़ रहा है कि हेलो नेहा मत रो, मेकअप खराब हो जाएगा। तो यस, बट या इट्स अ इमोशनल राइड फॉर एवरीवन। हाँ हमें याद है हम बहुत लेट आए थे, सब गेस्ट खाना खा के चले गए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं हर बार बताती हूँ कि जब क्योंकि सब टाइम थोड़ा हो गया था, 11-12 बज गए थे मेरी एंट्री के टाइम पे, ब्राइडल वॉक हो रही थी तो म्यूजिक भी बंद हो जाता है यहाँ पे, 10:30 बजे तक म्यूजिक बंद हो जाता है, तो मेरी ब्राइडल वॉक हो रही थी और मुझे फील नहीं आ रही थी यार, क्योंकि गाने नहीं बज रहे और मैं भी जल्दी जल्दी चल रही हूँ, स्लो चलना, तो सब पीछे से बोल रहे हैं कि नहीं हेलो धीरे चलो धीरे चलो। एंड देन द स्पेशल मोमेंट जब मुझे फील आनी शुरू हुई कि इसके फ्रेंड्स ने सबने गाना गाना शुरू किया इकट्ठे, जैसे हाउस पार्टीज में गाने नहीं गाते, दे स्टार्टेड सिंगिंग वन बाय वन एंड दैट मेड मी फील वेरी स्पेशल, कि मुझे तब फीलिंग आई कि हाँ अभी मैं थोड़ा स्पेशल और ब्राइट जैसा फील कर रही हूँ। सो दैट इज वन वेरी स्पेशल मेमोरी। मैं तो दोनों को ही बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा एंड आई विश देम अ हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड। हमने तो मतलब मैंने और मानसी ने तो नेहा को देखा है, आई थिंक नेहा ने एकदम परफेक्ट लड़का चुना है जो उसको संभालेगा, उसका साथ देगा हर चीज में, डांस करेगा उसके साथ, डांस करेगा इतनी मैडनेस नहीं नहीं वो दोनों एक दूसरे के इशारे पे डांस करते हैं, दे आर लाइक मेंट फॉर ईच अदर्स। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर एंड ऑफ कोर्स इज अ नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट फेज इन लाइफ, सो दोनों के लिए बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत सारे गुड विशेस एज सीनियर्स। रुद्रेश बहुत अच्छा लड़का है, नेहा भी बहुत अच्छी लड़की है, दोनों एक्टिंग आई थिंक एक दूसरे के लिए बने हैं एंड दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। एक्चुअली दोनों इतने अच्छे पैर है कि दोनों, एक बंदा गाता है वो नाचती है, और एक्चुअली दोनों साथ में नाचते भी बहुत अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे से। सो आई विश देम हैप्पी मैरिड लाइफ एंड या कंग्रेचुलेशंस गाइस। यस लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर बोथ ऑफ देम एंड खुश रहें जैसे भी रहें, एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। और जुम्बा में मिले थे दोनों तो जुम्बा करते रहें पूरी उम्र साथ में एक दूसरे के साथ, एंड जस्ट स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑल द टाइम, बी विद ईच अदर, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग टुगेदर। एक लास्ट चीज की ज़्यादा रोयो मत, क्यों मलाड से मलाड ही जा रहे हो। बस ओवर द टॉप हमारी तो मतलब ऐसा होगा कि अब दो दो शादियाँ होगी हैं, नहीं उसके बाद जब एकदम से सब खत्म होगा वील बी लाइक रियली सैड कि अरे अब क्या करें हम। सो बट अब तो उससे शादी करवानी पड़ेगी। सो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत खुश हैं कि दे आर गेटिंग मैरिड, आई थिंक इट वॉज अ सरप्राइज फॉर अस ऑल्सो एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सुपर ब्लास्ट। मतलब सुरभि ने तो हमें बोला कि कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें बस आके इन्जॉय करना है, सो वो करेंगे, थोड़ी बहुत ब्राइड्समेड्स की ड्यूटीज़ भी करेंगे। वी हैव टू प्लान एक्चुअली, आज शादी नेहा की खत्म हो जाए तो कल हम थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बैठेंगे कि उसकी शादी भी हमें करना क्या है। नेहा लक्ष्मी मेरी आई थिंक जब से हम 15 साल के थे तब से दोस्त है, तो बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी एंड बहुत ही सडनली मैंने उसे वरमाला सारी पहनी हुई तब देखा और मुझे अभी तक तो बिलीव नहीं हो रहा कि उसकी शादी हो गई है, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। पर अभी भी वो एकदम ब्राइट जैसे बिहेव नहीं करी, वो यहाँ वहाँ तो ऐसे लग नहीं रहा, लगेगा थोड़े टाइम में लगेगा कि सच में उसकी शादी हो गई है। दूल्हा मगर थोड़ा इमोशनल हो जा रहे हैं बार बार, वो मैं आज इसलिए मैं दूर रह रही हूँ वहाँ से, इसलिए मैं वो कन्यादान के टाइम आई नहीं नीचे, मैं अंदर चुकी हूँ, क्योंकि कल हल्दी के टाइम ही सब इमोशनल हो रहे थे, मैं भी इमोशनल होने लग गई, मैंने कहा मैं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, तो सेम ही थोड़ा सा इधर से उधर रहने लग जाएगी बस। मैंने स्पेशली आज साउथ इंडियन पूरा लुक में आई हूँ मैं, सब कुछ जो मेरे बाल इयररिंग्स, क्योंकि एक ही मेरी दोस्त की शादी है तो मैंने तो बोला था आज मैं पूरा तैयार होंगी, और बस ये हुआ कि जब तक मैं साउथ इंडियन तैयार होके आई तब तक नेहा ने नवारी पहन ली थी मराठी, बट हाँ मुझे पहली बार मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ तो मुझे तो बहुत ही अपनी एक्साइटमेंट हो रही है। यू नो एक्चुअली दो से ज़्यादा, नेहा लक्ष्मी की मॉम पंजाबी है, डैड साउथ इंडियन है, तो कल पूरा पंजाबी वो लग रहा था, अब आज साउथ इंडियन लग रहा है और मराठी, तो इतने सारे कल्चर्स मिक्स हो रहे हैं एंड आई थिंक इट इज़ सो अमेजिंग
यहाँ पे एक्चुअली पता चलता है कि हमारा जो देश है वो हमारा ही है और ये दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा इतना कलरफुल कल्चर. एब्सोल्युटली साउथ इंडियन वेडिंग हुई है अब, आई थिंक अभी वो चेंज करने गई है मराठी वेडिंग के लिए. तो बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों स्टाइल्स का स्वाद लेने को मिल रहा है हमें. सो साउथ इंडियन वेडिंग इज, आई हैव नॉट सीन अ साउथ इंडियन वेडिंग बिफोर, सो अच्छा लगा. या या एब्सोल्युटली, एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग. And my best friend is South Indian, so I really was excited to see the whole ritual. So I loved it. मेरे दिन को 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए. But हाँ, ऐसे लग रहा है कि एक journey शुरू हुई थी और 5 साल हो गए हैं और बहुत ही beautiful journey है. And I really wish both of them all the love and luck.